हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम और आज हम लोग देख रहे हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को कई बच्चों ने कमेंट करके पूछा था कि सर क्वेश्चन नंबर 7 को बताइए आप, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ। तो अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। तो अगर आपको देखेंगे इसमें गिवन क्या है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है और आपसे दो चीज़ें पूछ रहा है। एक तो आपसे इसकी वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा है और एक आपसे पूछ रहा है इसकी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे हमें दिया हुआ है क्या कि कॉट थीटा बराबर 7/8। पहले हमें इसका रिलेशन और डायग्राम निकालना होगा, ध्यान से समझिएगा। रिलेशन के लिए हम लोग जानते हैं क्या, प्यारे बेटा पप्पू और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना। साइन कॉस टैन कॉसेक्स सेक कॉट, कॉट क्या होता है, कॉट होता है बी अपॉन में पी, क्योंकि उल्टा करेंगे। तो अब पहले इसके बेस पे आप एक डायग्राम बनाएं, यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है इसलिए नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं रहने वाला है। तो आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो बेस कितना दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है आप देखेंगे 7 और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 8, ठीक है ना। अब पहला काम हमारा वही, हम पहले क्या निकालेंगे, इसकी ये वाली साइड निकालेंगे। तो बाय पाइथागोरस, ठीक है ना, बाय पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं आराम से। तो हमें हाइपोटेनस निकालना है और ये कितना दिया हुआ है हमें, परपेंडिकुलर हमारा 8 है और बेस हमारा 7 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। एच स्क्वायर बराबर 9 4 13, 1 6 4 10 और 1 11। एच स्क्वायर इतना आ गया, यानी एच की वैल्यू आप देखेंगे स्क्वायर हट के इधर रूट चढ़ जाएगा 113 करके ये आया है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अब ये सेंटीमीटर में तो दिया नहीं था, यहाँ मैंने लिख दिया है, ठीक है। आप लिखे ना लिखे कोई इसके वो खास बात नहीं है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें कोई यूनिट नहीं दी थी। तो 113 आ गया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं √113, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस तो हमारी क्या कितनी आ गई, 113 आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन पे कि हमें निकालना क्या था। अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + sin θ इंटू में 1 - sin θ अपॉन आपको निकालना है क्या, 1 - cos²θ, सॉरी cos थीटा और 1 + cos θ, ठीक है। क्वेश्चन वही है, मैंने आगे पीछे लिख दिया, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। ये मैं सोच रहा भाई यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ माइनस लिख दिया, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ध्यान से इसको देखो, इस आइडेंटिटी को पहचानो, तो आप हम कक्षा 7th, 8th, 7th, 8th में क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे मैं छोटा सा बता देता हूँ, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं a² - b², एक बार हम प्लस कर देते हैं और एक बार हम लोग माइनस कर देते हैं, a + b, a - b। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये यही फॉर्मूला तो बन रहा है, a + b, a - b, a + b और a - b, समझ में आ रही है ना बात। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a² - b² लिख सकता हूँ मैं इसको, a² - b² अपॉन a² - b² इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और ये हो जाएगा sin²θ अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 cos²θ। यानी अगर आप देखें तो अब हमें ये वैल्यू निकालनी है इस पूरे के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे भी वैल्यू रखता तो भी क्वेश्चन हो जाता, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता। यहाँ पे आइडेंटिटी को पहचानना है क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। अब हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हमें सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा हम जानते हैं क्या होता है, पी अपॉन में एच के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो पी कितना है हमारे पास, पी है 8, एच है √113। कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं, कॉस थीटा क्या होता है, b/h, बी क्या है √7 और एच क्या है √7 है, ठीक है। तो इस तरीके से समझेंगे, अब सीधे इस वैल्यू को उठा के हमें यहाँ रख देना है। तो 1
माइनस, साइन की जगह क्या रखेंगे, एट अपॉन में रूट वन वन थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन माइनस कॉस की वैल्यू क्या रखेंगे, सेवन अपॉन में रूट वन वन थ्री का होल स्क्वायर। अब हमें इसको सॉल्व कर देना है बस इजीली, ठीक है। तो देखें यहाँ पे, तो वन माइनस हम जानते हैं एट का स्क्वायर होगा 64, और कभी भी किसी रूट का स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर से रूट जो है कैंसिल हो जाता है, तो ये केवल वन वन थ्री निकल के आएगा आपके पास। इसी तरीके से सेवन का स्क्वायर 49, और वन वन थ्री रूट का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये भी केवल वन वन थ्री निकल के आएगा। इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम लेंगे, ये इधर जाएगा, वन वन थ्री की वन मल्टीप्लाई करेंगे तो वन वन थ्री माइनस 64 अपॉन में वन वन थ्री अपॉन, फिर से नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, ये इधर जाएगा, वन वन थ्री माइनस 49 अपॉन में वन वन थ्री। ध्यान से समझेंगे तो अगर आप देखेंगे कि 113 में से हम लोग 64 को घटाते हैं तो 49 बचता है अपॉन में वन वन थ्री। अब 113 में से 49 को घटाएंगे तो 64 बचेगा अपॉन में वन वन थ्री। इस तरीके से रिलेशन होता है, तो हम जानते हैं इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 49 में अपॉन में 64, ठीक है। 49 अपॉन में 64 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और दूसरी वैल्यू अगर आप देखें, इसमें क्या निकालनी थी, कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें देखो कॉट थीटा की वैल्यू तो हमें दी ही हुई है, कॉट थीटा तो ये रहा 7/8, तो हमें सिर्फ क्या करना है, 7/8 रखा और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 49/64 ये भी सेम ही वैल्यू आएगी। तो दोनों ही वैल्यू क्या आएंगी, 49/64, 49/64। एक बार फिर से समझेंगे, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हमें ये वैल्यू दी हुई थी, हमें ये निकालना था, हमने पहले पाइथागोरस लगा के तीसरी साइड निकाली। यहाँ पे हमने थोड़ा सा आइडेंटिटी का यूज़ किया है, ध्यान से समझेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको बना लिया, तो ये इस तरीके से हमारा बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन होता, तो इस तरीके से लिखा। साइन थीटा और कॉस थीटा की ही वैल्यू चाहिए थी, वो हमने निकाल ली, इसमें पुट कर दी और इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने। तो इस तरीके से हमारा जो है ये क्वेश्चन होना था, तो समझ पा रहे होंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे अब, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में दो बार आया हुआ है, 2010 में भी आया था और 2015 में भी आया था, एनसीईआरटी का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इन्हें ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल एट क्यू, तो इसी के साथ साथ बनाना स्टार्ट करते। देखिए ये कह रहा है कि पी क्यू आर है, ठीक है, पी क्यू आर है ट्राइंगल कोई, तो पी मान लेते हैं, इसको हम लोग क्यू मान लेते हैं और इसको हम लोग आर मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री क्यू पे है इसलिए यहाँ पे क्यू लेना पड़ा हमें, ठीक है। पी क्यू प्लस क्यू आर दिया हुआ है, पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर गिवन है हमें, ठीक है। पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे पी क्यू गिवन नहीं है, यहाँ पे पी आर गिवन है हमें, यहाँ पे क्या है, पी आर दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, अगर ये पी क्यू होता तो गलत हो जाएगा, ये पी आर अपने को गिवन है, ठीक है ना, आप बुक से भी मैच कर सकते हैं क्वेश्चन को, पी आर हमें दिया हुआ है, ठीक। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए कि हमारे पास दोनों साइडें नहीं है, हमें केवल ये दिया हुआ है पी क्यू कितना 5 सेंटीमीटर, मेरे पास ये है 5 सेंटीमीटर। अभी तक हमें क्या होता था, दो साइड दी होती थी और तीसरी साइड हम खुद निकाल लेते थे, फिर उसके बाद जो भी पूछ रहा है हम उसको सॉल्व कर देते, लेकिन इस बार हमें सिर्फ एक ही साइड दी हुई है। तो चलिए इसको मैं मान लेता हूँ एक्स और इसको मैं मान लेता हूँ वाई, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया हुआ है, जिसमें से पी आर को मैंने वाई मान लिया प्लस क्यू आर को मैंने मान लिया यहाँ पे एक्स इक्वल टू 25।
अगर मैं यहाँ से y बराबर निकालूँ तो y बराबर आ जाएगा 25 माइनस x। इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग वही लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग लगाएंगे, इस तरीके से लगा सकते हैं इसमें। अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, इनकी साइडों के नाम लिख लेते हैं। पहले हाइपोटेनस क्या है, पी आर है, बराबर पी क्या है, परपेंडिकुलर कितना है, क्यू आर का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है, पी क्यू का स्क्वायर। पी आर को हमने क्या माना है, पी आर को हमने माना है वाई, तो ये आ गया हमारा वाई का स्क्वायर, बराबर क्यू आर को हमने क्या माना है, ये माना है हमने एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हो गया फाइव का स्क्वायर। आगे देखते हैं, आगे हम लोग इसको क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने वाई की वैल्यू निकाली है क्या, 25 माइनस एक्स, तो इस वाई की जगह मैं इक्वेशन फर्स्ट से ये वाली वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है। तो वाई की जगह हम क्या रख देंगे, 25 माइनस एक्स, और बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है, फाइव का स्क्वायर 25 होता है। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये आइडेंटिटी बन रही है, क्या आइडेंटिटी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये फॉर्मूला हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 25 इसमें अगर हमें वही लगाऊं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये हमारा दिया ही है उधर। 25 का स्क्वायर करेंगे 625 आएगा, प्लस ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 25 दूनी 50, ये 50x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब अगर आप देखें तो इसमें अगर हम नंबर्स को एक तरफ कर लें और वैल्यू को एक तरफ करें, तो सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप इसको इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस का ये और ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। अब हम इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले जाएं, अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊं तो ये 50 माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, और ये 25 इसकी तरफ जाएगा तो 625 माइनस 25 हो जाएगा ये, तो 50x इजिकल टू आ गया 600। यहाँ से अगर मैं इसको काटूँ तो x इजिकल टू 600 डिवाइड बाई 50, तो आप देख सकते हैं कितनी बार में जाएगा, 5 से अगर हम 60 को काटेंगे, हम जानते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, x की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आती है 12, ठीक है, x की वैल्यू निकल के आती है 12। और हम जानते हैं कि बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट आप देख सकते हैं कि y इक्वल टू 25 माइनस x, तो y इक्वल टू हो गया 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 करेंगे तो 5 में से 2 गया 3, तो कितना आएगा 13। तो आप देख सकते हैं कि हमने दोनों ही साइड निकाल ली, जिसको हमने x माना था वो हमारा आ गई 12, जिसको हमने y माना था ये हमारी आ गई 13। समझ पा रहे होंगे, समझ में आ गई होगी बात मेरे ख्याल से इतनी, ठीक है ना। अब एक बार फिर से इसका डायग्राम बनाते हैं और इसको देखेंगे उसी के तहत, ठीक है। आप देख सकते हैं कि क्या है, देखिए डायग्राम हमारा यही है, पी क्यू आर, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये वाली साइड हमारी 13 निकल के आई, ये 12 और ये निकल के आती है 5, ठीक है। हमें निकालना क्या था, साइन पी, साइन पी, साइन क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, साइन पी एंगल ये है तो एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 12 अपॉन में 13। हमें निकालना है कॉस पी, कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, तो पी यही है तो इसके लिए बेस ये होगा, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 13। दूसरी बात हमें निकालना है 10 अपॉन में पी, 10 क्या होता है, ये होता है पी अपॉन में बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, 12 है और बेस कितना है, 5 है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसकी तीनों ही साइडें जो है
निकाल ली। तो क्वेश्चन ये वाला जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको अच्छे से ज़रूर एक बार देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बार फिर से समझ सकते हैं कि हमें ये दिया हुआ था पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी क्यू दिया हुआ था, हमने यहाँ से इसको सॉल्व किया, हमने इसको एक्स माना एक साइड को वाई माना, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 25, वाई बराबर मैंने निकाल लिया 25 माइनस एक्स, फिर वही पाइथागोरस लगाया, पी आर वाई था, ये एक्स था, ये 5 गिवन है, वाई की जगह मैंने इसकी ये वाली वैल्यू रख दी 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर ये, यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही थी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने वो बना दिया, तो वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर वही एक्स स्क्वायर प्लस 25 हमने लिया, फिर वही इसको खोला है हमने 625 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, फिर वही नंबर्स को हमने एक तरफ किया है और वेरिएबल को एक तरफ किया है, ये नंबर इसको हम लोग एक तरफ ले गए, ये माइनस का था पॉजिटिव में हो गया, 25 इधर प्लस का था इधर लेके आया माइनस में हो गया, एक्स की वैल्यू 12 निकल के आई, एक्स की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया तो वाई की वैल्यू निकल आई, फिर हमारे पास जो है तीनों साइडें हो जाती हैं, तीनों साइडें अगर हो गई तो फिर आपको पता है कि आपसे कुछ भी पूछे हम निकाल सकते हैं बहुत ही ईजीली, ठीक है ना। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 8.1, मैंने अपनी तरफ से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, फिर भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन ना हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना, मैं अगली वीडियो में उसको ज़रूर ऐड कर लूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में जिसमें हम लोग टेबल बनाना सीखेंगे। थैंक यू सो मच।